Hey guys, it's Shivangi and आप लोग को अगर लग रहा है कि मैं आज इतनी रंग बिरंगी क्यों हो रखी हूँ so यार वो बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो एंड कॉमेंट करके बताना कि आपको मेरी शर्ट कैसी लगी। मैं आज रंग बिरंगी इसलिए हूँ बिकॉज आई लव रंग, आई लव कलर्स एंड आई होप आप लोग को ये बात पहले से पता होगी। तो आज जो मैं आर्ट पीस बनाने जा रही हूँ ना इस वीडियो में, वो भी बहुत ज्यादा रंग बिरंगा होने वाला है। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले से ही वाइप करके बैठ जाऊँ अपने आर्ट पीस के साथ, जिससे कि आप लोगों के लिए वो शॉक ना हो एंड मम्मा आपके लिए भी ना हो, क्योंकि आपको नहीं पता क्या होने वाला है आज। Anyway, मैंने आपको बताया नहीं, आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। आज मैं करने जा रही हूँ पॉट पे पेंटिंग, जो कि आपको लग रहा होगा बेसिक। वेट, हम इस चीज को इतना बेसिक करने नहीं वाले हैं, ठीक है। आज हम करने वाले हैं कुछ थोड़ा ज्यादा धमाकेदार। सो स्टार्ट करते हैं यार। ये है हमारी मटकी जिसमें आज मैं पेंट करने जा रही हूँ। स्टॉप, ये मुझे पड़ी 45 रुपीस की। हालांकि मैं उसका प्राइस कम करा सकती थी बट मैंने कराया नहीं, क्योंकि यार सब लोग मेहनत करते हैं, वो दिन भर धूप में बाहर बैठे हुए होते हैं अपने ठेलों में। कभी भी इनके साथ ना बार्गेन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मॉल में जाते तो हम बार्गेन नहीं कर पाते ना, तो इन लोगों के साथ क्यों करें यार। थोड़ा इमोशनल हो गया ना, हमारी वीडियो में फन होना चाहिए राइट। एनीवे मूविंग ऑन, अब मैं जेसो का जल्दी से कोट अप्लाई करूंगी इस मटके पे बिकॉज ये मटका जादुई है। In case if you guys are wondering कि हर बार जेसो क्यों शुभांगी, so यार जेसो से ना एक बहुत अच्छा बेस मिलता है किसी भी चीज को। Anyway, जैसो ड्राई होने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। Oh my God, काफी कूल लग रहा है ये। Anyway, moving on, now I'll start doing the rough sketch. मैं थोड़ी नर्वस हूँ एंड शिट डर लग रहा है यार। This is V for victory, V for और कोई ब्रांड्स का हम नाम नहीं लेंगे। Wheat, Vimal, no guys, only victory. Anyway guys, moving on, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डिस्क्लेमर दे दिया था कि ये होने वाला है बहुत ही ज्यादा रंग बिरंगा, तो दैट इज वाई मैं सबसे पहले बैकग्राउंड से ही स्टार्ट करूंगी बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट राइट। सो एनीवे गाइज, मैं बैकग्राउंड में भी डिटेल्स भर भर के ऐड करने वाली हूँ। अब अगर आपको लग रहा है कि यार कितने और कलर्स ऐड होंगे इसमें शिवांगी, सो यार बहुत सारे कलर्स ऐड होने वाले हैं एंड इसके पीछे एक स्टोरी बताओ क्या है। मुझे मतलब जेन्युइनली बचपन से स्केचिंग एंड ड्राइंग से ज्यादा इंटरेस्ट कलरिंग में रहा है, मतलब मुझे कलरिंग बहुत ज्यादा पसंद है, किसी भी चीज को ब्यूटीफुल बनाना कलर्स से, मजाक भी नहीं कर रही मैं। इसीलिए यार आज जो मैं बना रही हूँ ना, उसका थीम भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है पॉप आर्ट से, क्योंकि पॉप आर्ट में होते हैं ढेर सारे कलर्स एंड कलर्स मुझे पसंद है। एनीवे, बैकग्राउंड कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा लगेगा, काफी बढ़िया सा। लुक्स प्रिटी। अब हम इस पे डिटेल्स ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले डिटेल तो होगा यार ये हाथ, विक्ट्री वाला हाथ जो मैंने इनिशियली बनाया था, उसको हम अब बैठ के कंप्लीट करेंगे। देन अभी तो पार्टी शुरू हुई है राइट। यार मेरा प्लान है जो मैं ये विक्ट्री वाला हाथ बना रही हूँ, काफी ज्यादा रियल लगे। आई एम गोना सीरियसली ट्राई फॉर इट बट लेट्स सी। इनकेस इफ यू गाइज आर वंडरिंग कि क्यों यार विक्ट्री ही क्यों, मैं कोई और साइन भी तो दिखा सकती थी ना। सो 500K की खुशी में आई थॉट क्यों ना मैं विक्ट्री का साइन दिखाऊं, क्योंकि मैंने जब ये चैनल शुरू किया था मैंने नहीं सोचा था यार कि मेरे 10K भी होंगे, 10K भी मेरे पता नहीं कब जाके हुए थे, कितने साल तो नहीं कितने मंथ्स बाद हुए थे। आई थिंक लास्ट ईयर इस टाइम पे मेरे 30K थे। बहुत बड़ी बात होती है, हम जैसे लोगों के लिए तो बड़ी बात है ना, क्यों सच बताओ। मूविंग ऑन गाइज, यहाँ पे मैं बहुत सारी डिटेल ऐड करने वाली हूँ, ये अभी कुछ भी नहीं है। अब मैं इसमें और भी ज्यादा पॉपी एलिमेंट्स ऐड करूंगी, जैसे कि ये सारी चीजें। यार देखो हाथ तो बहुत अच्छे से चकाचक तरीके से कंप्लीट हो चुका है, इट्स जस्ट दैट अब बैकग्राउंड जो है ना उसमें डिटेल्स बाकी है। तो ऑफ कोर्स यार जो बैकग्राउंड्स की डिटेल है वो भी मुझसे रिलेटेड होंगी, वो भी ऐसे मैं कुछ रैंडमली ऐड नहीं करने वाली। जो ये आप अजीब किस्म की चित्रकारी देख रहे हो, ये है एक कलर पैलेट, क्योंकि आप लोगों को पता है कलर पैलेट आप लोग YouTube मेरी जिंदगी का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा हो, सो आई थॉट क्यों ना मैं वो सारी चीजें ऐड करूं। यार जिस तरीके से मैं आपको अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा मानती हूँ, क्या आप लोग मुझे मानते हो कि नहीं, सच्ची बताओ।
ये दिल हमारे हार्ट टू हार्ट वाला कनेक्शन है एंड सच में जो चीजें मैं करती हूँ मुझे वो दिल से पसंद है, सो दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे बहुत सारे दिल बनाए हुए हैं। माइंड इट गाइस, मैं किसी भी पैटर्न को ऐवे नहीं छोड़ूंगी, मैं हर चीज में डिटेल्स ऐड करूंगी। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चेक पैटर्न जिससे कि ये और भी ज्यादा पॉपी लगे। काफी मेहनत वाला काम है यार, तैयार हो आप? चलो स्टार्ट करते हैं। काफी प्यारा लग रहा है यार, दिस लुक्स सो प्रिटी। अब अगर आपको लग रहा है कि कंप्लीट हो चुका है, सो लेट मी टेल यू, पॉट अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है यार, थोड़ी और डिटेलिंग्स बाकी है अभी। एंड आपको एक बात बताऊं क्या, ऑफ कोर्स यार ये हैंडमेड है, आई मीन पॉट हैंडमेड है, तो इसलिए उसका टेक्सचर थोड़ा उबड़ खाबड़ है, बट स्टिल वी विल डू इट गाइस। Wow, this is looking stunning. Of course, इसमें बहुत मेहनत लगी है, but overall this is looking so different, so unique, and I totally love it. Anyway, अब इसमें हम जल्दी से वार्निश का एक कोट अप्लाई करेंगे, because मैं नहीं चाहती यार मेहनत में कल को पानी फिर जाए। So yes, अब मैं जल्दी से एक और वार्निश का एक कोट अप्लाई करूंगी and then एक और कोट दोबारा ऐड करूंगी, because safety guys, समझा करो। Okay guys, so this is what the final piece looks like. जब मेरे मम्मा ऐसे से किया आपको थोड़ा ऐसे Anyway, so मुझे तो ये काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना मम्मा आपको कैसा लग रहा है। बहुत सुंदर। एंड मम्मा तो सच में तब से बोलती जा रही है जब से मैंने हाथ बनाया, बेटा ये हाथ रियल लग रहा है, बेटा ये हाथ रियल लग रहा है। बट ठीक है यार, इतना भी रियल नहीं लग रहा, बट हाँ मैंने ट्राई किया कि ये थोड़ा डिफरेंट लगे मेरे बैकग्राउंड से। सो इफ यू सी हियर, अगर मैं इस मटके पे कुछ फ्लावर्स भी ऐड करूंगी, दिस विल लुक वे टू प्रिटी। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको आज की वीडियो कैसी लगी यार, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट एंड फैसिनेटिंग लगी। ऑफ कोर्स मैंने अपनी लाइफ में पहले भी पॉट पेंटिंग करी हुई है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बट वो इस लेवल की नहीं थी यार, वो ऐसे ना बचपन में जो हम ऐसे ब्रशेज मार देते थे ना, वो थी। सो यस, मिलते हैं अगले हफ्ते, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय। एंड यू गाइस नो इट राइट, I love you guys. Bye-bye.